नमस्कार, मैं हूँ अनुमति तिवारी और वत्सालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी। हिंदी की इस कक्षा में आज हम पढ़ेंगे समास। सबसे पहले प्रश्न उठता है, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर आपस में मिलना ही समास है। तात्पर्य यह कि दो या दो से अधिक पद, दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर, लोप करना मतलब गायब होना, उसका हट जाना, उसको आपस में से उसका गायब होकर के आपस में मिलना ही समास है। सो जो नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। मैं लिख के दिखाती हूँ परिभाषा इसकी। तो क्या पढ़ा हमने परिभाषा में? दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का, दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का लोप करा कर आपस में मिलना 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 ही समास है। ठीक है, ये हो गई हमारी परिभाषा समास की। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर आपस से मिलना ही समास है। जैसे कि अगर हम ये कहते हैं राजकुमार, तो राजा का कुमार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये बात कहते हैं। तो राजा का पुत्र जो होता है वो राजपुत्र होता है। यहाँ जो का है वो संबंध बता रहा है, पुत्र का राजा से क्या संबंध है, उस व्यक्ति विशेष का, उस बालक का क्या संबंध है। तो पुत्र का संबंध है राजा से। पुत्र का संबंध किससे है? राजा से। तो वो राजा का पुत्र है। तो ये विभक्ति चिन्ह इसमें क्या है? का है। जब हम एक शब्द बनाते हैं तो ये हो जाता है आपको समास या समस्त पद बन जाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर आपस में मिलना ही समास है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण ठीक है, अर्थात छोटा करना या संक्षेप करना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ छोटा करना। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है वो छोटा होता है पहले की तुलना में। जो क्योंकि दो पद होते हैं, उन दोनों के पदों में दोनों पदों के बीच में एक विभक्ति चिन्ह होती है, तो उन दोनों पदों का लोप करा, दोनों पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर, मतलब अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस हो जाएगा, राजा का पुत्र हम कहेंगे, तो राजा का पुत्र कहने के राजा है, का है, पुत्र है, दो दो चार और एक पांच यहाँ पर आ रहे हैं वर्ण, पांच वर्ण देख रहे हैं। तो ये छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र। तो छोटा हो गया, पैसे इसका संक्षिप्तकरण कर दिया गया, इसको संक्षेप कर दिया गया इसका। तो जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, रसोई के लिए घर, रसोई घर,
जैसे राजा का पुत्र राज पुत्र, ठीक है, ये हो गया राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया हमारा। राजा का पुत्र राजपुत्र जो है ये हमारा हो गया, ये देखिए इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राजा का पुत्र, यहाँ का था इसका का लोप हो गया और ये बन गया नया शब्द राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र हो गया। राजा का पुत्र राजपुत्र ये बन गया हमारा राजपुत्र, ये नया शब्द बन गया हमारा, ठीक है। इसे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये नया शब्द बन गया। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ अगर हम ये करते हैं रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ क्या है रसोई के लिए घर में, यहाँ पर देखिए आप, ये रसोई के लिए घर जो है ये शब्द है और ये के लिए जो है यहाँ पर, इसे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ, ये जो के लिए हुआ ये के लिए ये विभक्ति चिन्ह हुआ यहाँ पर, और इसको हम लोगों ने गायब कर दिया, इसको हम लोगों ने अगर गायब कर दिया यहाँ पर तो क्या बचा हमारे पास, रसोई घर बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, रसोई घर शब्द बन जाएगा। अब हमारा बन जाएगा आपको रसोई घर हो गया घर, यहाँ क्या किया हमने रसोई के लिए से के लिए हटा दिया हम लोगों ने, रसोई के लिए घर जो था ये क्या, ये किससे बन के आया है, रसोई के लिए घर से, ये था रसोई के लिए घर, ये शब्द था, इसमें भक्ति चिन्ह क्या थी के लिए, जो हमने यहाँ पर यूज किया था के लिए, रसोई के लिए, ये के लिए जो है हम लोगों ने ये जो के लिए है ये के लिए यहाँ विभक्ति चिन्ह है, इसको हम लोगों ने हटा दिया है विभक्ति चिन्ह को, ठीक है। तो ये हो गया रसोई के लिए घर, रसोई घर, ठीक है। ये हम लोगों ने भक्ति चिन्हों का लोप करा के, यहाँ भक्ति चिन्ह है मैंने पहले दिखाया था आप लोगों को, ये भक्ति चिन्ह है यहाँ पर, ये से मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस कलर से ब्लैक से, ये भक्ति चिन्ह है, इनको हम गायब कर देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, इसका ये रसोई बच रही है यहाँ पर और एक घर बच रहा है, रसोई घर, रसोई के लिए गायब हो गया तो रसोई और घर बच रहा है और एक शब्द बन गया रसोई घर, ये रसोई घर एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो हम और इसमें देखते हैं, ठीक है, हमें समझ में आया कि रसोई के लिए घर, रसोई घर, तो इस तरह से बात समझ में आ रही है कि विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर एक नया शब्द बनना ही समास कहलाता है, और ये जो होता है नया शब्द जो होता है उसे समस्त पद कहते हैं। अब बात आती है समास के कितने भेद, समास के मुख्य रूप से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय, ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, अव्ययी भाव,
तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि और कर्मधारय। समस्त पद में दो पद होते हैं, क्योंकि दो पद दो या दो से अधिक पदों का लोप करा के एक नया शब्द बनता है, इसलिए बहुत स्वाभाविक सी बात है कि दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद जो पहले आता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो पीछे या बाद में आता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। देती हूँ उसे समास समास के भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर एक अव्ययी भाव, ठीक है। नंबर टू तत्पुरुष, ठीक है। नंबर तीन है द्विगु, ठीक है। चार हो गया द्वंद्व, पांच हो गया बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि यहाँ टाइप नहीं हो रहा है हिंदी में, तो यहाँ पर बहुव्रीहि र जुड़ा रहता है, जैसे ट्रक में लिखते हैं उस तरह से बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि, ठीक है। नंबर सिक्स हो गया कर्मधारय, कर्मधारय समास। तो ये हम पाते हैं कि ये छह तरह के समास होते हैं यहाँ पर, तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि और कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, तो अव्यय भाव समास किसे कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद करें, मैंने बता दिया। समस्त पद को दो भागों में अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे दो विभक्ति चिन्ह, जैसे दो या दो से अधिक पदों का अपने विभक्ति चिन्हों का लोप कराकर आपस में मिलना ही समास कहलाता है, वैसे ही दोनों के बीच में अगर विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं या दोनों पदों को अलग अलग करने की जो क्रिया होती है उन्हें हम समास विग्रह कहते हैं। दोनों पदों को अलग 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 अलग
करने की क्रिया समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, पूर्ण विराम। अब पहला है अव्ययी भाव, पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव ये समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्दों को कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी क्या होता है, विकार क्या होता है? विकार परिवर्तन को कहते हैं। परिवर्तन जो होता है वो विकार कहलाता है। यानी किसी कारण से, कौन सा कारण हो सकता है? लिंग हो सकता है, वचन हो सकता है, क्रिया हो सकती है, काल हो सकता है। इन सब कारणों से किसी शब्द के में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि तैसे रह जाते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आपको पंखा तेज चलता है, तो तेज चलने की क्रिया है वो, उसका लिंग वचन से कोई असर नहीं पड़ता उस शब्द पर। पंखे भी तेज चलते हैं, लड़कियां भी तेज चलेंगी, लड़के भी तेज चलेंगे, लड़का तेज चलेगा, लड़की तेज चलेगी। तो हम देख रहे हैं कि लिंग वचन काल कारक से, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए यह हो गया अविकारी शब्द, यानी इसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वो जो समास होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उस समास को अव्यय कहते हैं। ठीक है, और इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, साथ ही इस समास में पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है। अव्यय मैंने बताया अभी किसे कहते हैं, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं उसे अव्यय कहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन विकार उत्पन्न नहीं होता विकार कहते हैं। परिवर्तन यानी कि इस पद में जो पूरा पद होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। पूर्व पद अव्यय होता है और क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द अव्यय होते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, यह पूरा ही पद जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इस पद में पूरा पद, इस समस्त पद बनता है, इस पद में पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है, यथाशक्ति यथा शक्ति। ठीक है, ये एक शब्द होगा क्योंकि ये समस्त पद है, यथा शक्ति। ठीक है, इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, नंबर टू हम देखते हैं,
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। यथा संभव, यथा संभव, ठीक है, संभव, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, यथासंभव, ठीक है। उसके बाद आजीवन, जीवन भर। तीसरा नंबर देखते हैं एग्जाम्पल, हम उदाहरण देखते हैं तीसरा। आजीवन, जीवन भर, ठीक है, ये हो गए आपको अव्यय भाव के उदाहरण हो गए। तो अव्यय भाव किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद जो है वो अव्यय हो, उस समास को अव्यय, उस समास को अव्यय भाव कहते हैं। उस समास को अव्ययी भाव, अव्यय भाव कहते हैं, क्योंकि पूर्व पद जो है, पहला पद जो है अव्यय, जैसे यथाशक्ति, यथा जो है यहाँ अव्यय है, यह समस्त पद में देखना होगा, विग्रह में नहीं देखना होगा। यथा संभव, यहाँ यथा जो है अव्यय है, क्यों है? कि लिंग वचन कारकरण के कारण इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये जस का तस रह जाता है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। अगला अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। अगला समास जो है, आई जस्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस समास का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तब दूसरा समास हमारे पास है तत्पुरुष समास। तो इस समास पे उत्तर पद ध्यान होता है। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, पहला समास अगर अव्यय भाव समास है तो पहला का पहला पद प्रधान है, अव्यय भाव का पहला पद प्रधान है, जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। दूसरा है आपको तत्पुरुष समास, इसके लिए मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। दूसरा है आपको तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा हो गया। तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास ने उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। पहला समास में देखा अव्यय भाव, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद जो होता है, बाद का पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो, वह अव्यय भाव हुआ, और जिस समास में दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो होता है, वह प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें इस पद की क्या खासियत होती है, कैसे पहचानते हैं? कि प्रथम पद और उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, और ये संबंध के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। विशेषण और विशेष, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जो विशेषता बताने योग्य है। अगर हम ये कहते हैं काला लड़का, तो काला जो विशेषण है और लड़का जो विशेष्य है, क्योंकि वह लड़के की विशेषता बता रहा है, विशेषण शब्द। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ पर लड़के की बताई जा रही है, तो क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या हुआ? काला हो गया। तो विशेषण और विशेष्य दोनों की तरफ लिख देती हूँ। तो तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। इस समास में, इस समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण, प्रायः प्रथम पद
विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद विशेष होने के कारण समास में इसकी ध्यानता होती है। ठीक है, अब विशेषण विशेष क्या है हम देख लें। इस चीज को विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण। मोटे मोटे शब्द में बता रही हूँ मैं, इसकी परिभाषा नहीं बता रही। जो विशेषण अध्याय पढ़ेंगे तो उसके विषय में बताऊंगी। अभी साधारण तौर पर इसका अर्थ होता है जिसकी जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, नॉट है, है। ठीक है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष कैसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस की जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ठीक है। अब तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं क्योंकि ये कारक के युक्ति चिन्ह के अनुसार चलता है। तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। ठीक है, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। कारक के जितने भी विभक्ति चिन्ह वाले भेद होते हैं, कर्ता को छोड़कर सभी कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, इनके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वही तत्पुरुष होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं। नंबर एक, कर्म कारक। टू, करण कारक। नंबर तीन, संप्रदान नंबर चार, अपादान अपादान
नंबर पांच संबंध कारक, नंबर छह अधिकरण कारक, सॉरी अधिकरण तत्पुरुष होगा, कारक इनके अनुसार ये कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इनके अनुसार ये तत्पुरुष समास जो होता है इनके विभक्ति चिन्हों के अनुसार रहता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध खाके की अधिकरण में पर, ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं ये कारक विभक्ति चिन्ह है और इन्हीं कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम इसे वर्गीकृत करते हैं या इसे बांटते हैं और पहचानते हैं और ये कहलाते हैं उस समय ये बन जाते हैं तत्पुरुष। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और यहाँ हो जाएगा ये इनके विभक्ति चिन्ह। ये मैंने कारक कैसे लिखा था क्योंकि विभक्ति चिन्ह इनके होते हैं, लेकिन ये क्या होता है विभक्ति चिन्ह जो चूंकि सामासिक पद बन रहे होते हैं तो ये समास सामासिक समस्त पद बनने के बाद बन जाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये जो है कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर चलते हैं। तो तत्पुरुष समास समझ में आ गया, जिस समस्त पद में, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है विशेष होता है। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताता है विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और ये हो गए एग्जाम्पल्स, कौन कौन से तत्पुरुष होते हैं आपको, कर्म तत्पुरुष है, उसके बाद करण तत्पुरुष है, फिर संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अब इसमें यहां देखना है कि ये जो करण तत्पुरुष होता है, करण से, ये भी आपको करण में भी से है और ये जो अपादान है इसमें भी से लगता है, इसमें भी से है और इसमें भी से, दोनों के विभक्ति चिन्ह जो है वो सेम है। तो
तो दोनों में अंतर क्या हुआ, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जो हमारा है वो करण तत्पुरुष है और कौन सा जो हमारा है वो अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि दोनों में ही विभक्ति चिन्ह जो है वो से लगते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ संयोग होता है, मिलन होता है, दो चीजें मिलती है, वहां करण होता है, साथ यहाँ रहता है। जब साथ रहता है तो वहां पर करण तत्पुरुष होता है, और जब वियोग होना होता है, अलग होता है, तो वहां पर अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए, अलग हो गए। दिल्ली से गाड़ी आई, हिस्से यहाँ भी है लेकिन दिल्ली से आ चुकी है, यानी कि दिल्ली से इसका वियोग हो चुका है, छूट चुकी है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा। और आपको करण तत्पुरुष जो है चम्मच से खाता है, से यहाँ भी चम्मच से खाता है, से आ रहा है, यहाँ साथ लगा हुआ है, चम्मच और हाथ का साथ लगा हुआ है खाने के लिए, तो चम्मच से आता है, यहाँ आपको हो गया करण तत्पुरुष। तो ये क्लियर हो गया, इसे भी हाईलाइट कर देती हूँ। अव्यय भाव हो गया, किसे कहते हैं, या विशिष्ट पद अव्यय हो जा रहा है, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार यथा संभव, और ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, यथा संभव, आजीवन और यथाशक्ति। हाँ, अब मैं आपको देती हूं तत्पुरुष समास के उदाहरण, ठीक है। तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं इसको राजा का पुत्र हो गया एक साथ होगा ये राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। मैं जो बहुत प्रचलित उदाहरण है वो उसे दे रही हूँ जो एग्जाम्स में अधिकतर आते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो इंस्टीट्यूट में, वत्सालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, जहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा सेट मिल जाएगा, समास विग्रह करें, समास पहचाने, और समास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मिल जाएंगे। वो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में जाके व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से संपर्क करना होगा, दिए गए फोन नंबर पर या व्हाट्सएप पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री प्रिंस वत्स को। यहाँ मैं ये समझाने के जो एग्जाम्पल्स हो सकते, उदाहरण हो सकते हैं, मैं उसे दे रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा, और मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसका, मनचाहा मन से मन चाहा, ठीक है, एक और देती हूँ, देश से प्रेम, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया ये, मन चाहा हो गया, देश से प्रेम, देश प्रेम,
देश प्रेम, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स हो गए ये। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो समास पढ़ लिए। पहला है अव्यय भाव। अव्यय भाव जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है उस समास को अव्यय भाव कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, इस पद में पूरा पद जो होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। मैंने अव्यय बताया किसे कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो शब्द जो होते हैं वो जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, अविकारी होते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय हो जाता है, ठीक है। जो अव्यय हो जाता है उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। इनकी क्या खासियत होती है, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी यानी जिनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस कारण से होता है, लिंग वचन काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे पंखा तेज चलता है, लड़की धीरे चलती है, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं। यहाँ पूर्व पद प्रधान होता है, समस्त भाव में पूर्व पद प्रधान होना चाहिए। ये कभी बदलता नहीं, जैसे यथा आ जो है ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, इसलिए इनके पूर्व पद प्रधान होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हम आते हैं तीसरे शब्द पर, ठीक है। तीसरा समास पर आते हैं। तीसरा समास क्या है हमारा, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, मैं अलग अलग कलर से यूज कर रही हूँ ताकि आपको जब पढ़ना हो जिस समय में उस समय में आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, वो प्रोमिनेंट कलर्स में यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने अलग अलग समास के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो पहचानने में। एग्जाम परीक्षा के समय रहेगा आपको, मान लीजिए दिक्कत तकलीफ है, सिर्फ थोड़ी समस्या आ रही है तत्पुरुष तो समझने में, तो आप देखेंगे कि हाँ ये ब्लैक से लिखा हुआ है, ये जल्दी मिल जाएगा। वैसे आप पूरा उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, तो आपको टाइम लगेगा। तो आपके समय की बचत हो सके इसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ कि मैं इसको ऐसे ही लिख दे रही हूँ। अब पढ़ते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। ये हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान में समास विशेष विशेषण और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले परिभाषा टाइप करती हूँ। इस समास इस समास में उत्तर
प्रधान होता है इसमें समास में विशेष विशेषण इसमें जो पूर्व पद होता है इस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता है नीला होना, तो नीला क्या है यहाँ विशेषण है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है कमल की, तो क्या हो गया विशेष विशेषण संबंध हो गया, विशेषण क्या हो गया नीला और विशेष्य क्या हो गया कमल। ठीक है, दो स्थितियां होती हैं। जैसे नील कमल, नील कमल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या होती है, किन परिस्थिति में पहचानेंगे कि ये कर्मधार है। पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। विशेषण विशेषण की तरह यहाँ पे बात है उपमेय और उपमान, जिससे उपमा दी जाए उपमान, और जिसकी उपमा दी जाए उपमेय। पूर्व पद और उत्तर पद में पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन। ठीक है, कमल नयन ये हो गया। और देखते हैं हम लोग नीलकंठ, नील कंठ। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। नी पीताम बर, पीताम्बर। ठीक है, महादेव, महादेव। अब इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हुआ, ठीक है। हाँ, इस समास में उत्तर पद क्या होता है प्रधान,
उत्तर पद प्रधान, यहाँ देखिए ये जो उत्तर पद है ये प्रधान है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद किसे कहते हैं, जो बाद में पद आता है वो उत्तर पद होता है। इस समास में जो पूर्व पद होता है विशेषण हो सकता है, और उत्तर पद जब होगा तो विशेष्य होगा, विशेष्य की प्रधानता होती है। जैसे ये नील कमल, यहाँ किसकी प्रधानता है, कमल की प्रधानता है। कमल क्या है, विशेष्य है, और विशेषण क्या है, नील है। पूर्व पद और उत्तर पद में ये दूसरा दूसरा कंडीशन है इसके होने का। दूसरा कंडीशन क्या है इसके होने का, कि ये पूर्व पद और उत्तर पद, ये पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। जिसकी उपमा की जाए उपमान, जिससे उपमा की जाए उपमेय, जैसे कमल नयन, नीलकंठ, पीतांबर, महादेव, यानी जहां हम तुलना होते देखेंगे, जहां पर भी तुलना होते देखेंगे वहां पर ये आंख मूंद के ये मान लेंगे ये कर्मधारय है। जहां भी अगर नहीं परिभाषा याद रह रही है तो मोटे मोटे तौर पर ये याद कर लीजिए कि जहां हम देख रहे हैं किसी कारक का चिन्ह लगता है, भक्ति चिन्ह लग रहा है आने के बाद, जो बहुत प्रोमिनेंट, जो सबसे जिस पर सेंटेंस या जो पद है, जो शब्द है वो जिस पर डिपेंडेंट है, राजा का बेटा रसोई के लिए घर, जहां एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं, पूरक बन रहे हैं, वहां का तत्पुरुष हो जाता है और कारक विभक्ति चिन्हों के अनुसार ही चलता है। और जहां हम देखते हैं ये कि जो पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जहां तुलनात्मक होता है, तुलना होती है पीताम्बर, नीलाम्बर, नीलकंठ, नीलगगन, कमल नयन, चरण कमल, इस तरह के शब्द जहां होते हैं वहां ये आंख मूंद करके कर्मधारय है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ आंख मूंद का कर्मधारय है। और कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, इसे मैं डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गया कर्मधारय समास हमारा। कर्मधारय समास के बाद हम आएंगे पढ़ने के लिए आपको द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। अब द्विगु समास कैसे कहते हैं, जिस समस्त पद का पहला पद जो होता है, या पूर्व पद जो संख्यावाचक होता है, जिस समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद संख्या वाचक होता है, संख्यावाचक संख्या बोधक नंबर अंक का मालूम चलना, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक यहाँ विशेषण कर दीजिए, उनकी विशेषता ही बताने का काम कर रहा है। विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, द्विगु समास दो प्रकार के होते हैं, समाहार द्विगु और दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु। ठीक है, ये समस्त पद प्रयुक्त संख्या को किस समूह को दर्शाती है पहले वाले में, और दूसरे जो है किसी अर्थ को नहीं दर्शाती, और किसी अर्थ को नहीं दर्शाती है, ये संख्या बोधक होता है। तो हमें भेद पर नहीं जाना है, हमें बस इतने से मतलब है कि कितने किसे कहते हैं, इसके भेद देखते हैं हम क्या क्या होता है, मैं सॉरी इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, त्रि भुवन, तीन भुवनों का समाहार, संख्या बता रही कितनी संख्या, ध्यान दिया जाए इस बात पर, संख्या बोधक है। तीन भुवनों का समाहार, ठीक है, ये समूह बता रहा है आपको, तीन भुवनों का समाहार है। मैं फिर बता रही हूँ, एक बात क्लियर कर रही हूँ कि ये लेक्चर वीडियो जो है सिर्फ पढ़ने के लिए है, अगर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है
करने अगर क्या जरूरत है ही, क्योंकि समास जो ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा। व्याकरण जो होता है वो गणित की तरह की चीज होती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपका परफेक्ट होगा, उतना ही पक्का होगा। तो ये चार पांच एग्जाम्पल पढ़ लेने से आपको उस पर कमांड नहीं हो जाएगा, आप सिद्धस्त नहीं हो जाइएगा, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही है ही। कोई कॉम्पिटिशन कम्पीट करना है, क्वालिफाई करना है, एग्जाम्स देने हैं तो करना ही है, आपको अच्छे अंक लाने हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप वत्सालय संपर्क करना ना भूलें, वत्सालय का कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, नहीं तो इसमें वेबसाइट मिलेगा, हमारे चैनल में मिल जाएगा आपको इसका नंबर। आप उनसे संपर्क करके अपने लिए आप प्रैक्टिस सेट, चाहे आपको जैसी सुविधा हो, आप पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, आप मेल से लेना चाहते हैं, आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, जैसे भी सुविधा हो आप एनरोल होइए और इसका प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य कीमती होता है। तो अगर नौकरी चाहिए, एग्जामिनेशन में पास होना है, तो प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है, सभी समझते हैं इस बात को। इसलिए मेरे विनती है आप लोगों से, अनुरोध है मेरा कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। दस नो दस आन नो आन नो आ न न ओ दस आननों का समाहार। और उदाहरण ले लीजिए आप, त्रिफला, 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 ये हो गया तीन फलों का समाहार। तीन फलों का समाहार, दस आनन, आनंद का चेहरा, दस आननों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। ये देख रहे हैं कि संख्या बोधक है, तो ये संख्या बोधक होने की वजह से ये जो समास है यह द्विगु समास है। मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ अंडरलाइन करके। ठीक है, ये है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद यह पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। क्लियर हो गया, वह द्विगु समास कहता है। जैसे पहला है त्रिभुवन, यहाँ त्रि क्या है, संख्या बोधक। दशानन, यहाँ क्या है, दश क्या है, संख्या बोधक। और ये सब क्या है, पूर्व पद है, पहले आ रहे हैं। यहाँ त्रिफला है, त्रिफला में त्रि क्या है, संख्या बोधक, तीन। तो यहाँ देखते हैं तीन, तीन भुवनों का समाहार, यहाँ संख्या बोधक है। दस आननों का समाहार, समाहार बता रहा है, समूह बता रहा है। और तीन फलों का समाहार, ये हो गया आपको संख्या बोधक हो गया। संख्या बोधक होने की वजह से ये क्या हो गया है, द्विगु समास हो गया। तो यानी कि इसका जो पूर्व पद होता है वह संख्या बोधक होता है, समाहार बताता है, समाहार यानी समूह बताता है। दशानन, त्रिभुवन, त्रिपुरारी, त्रिफला, चौराहा, चतुर्भुज, ये सब संख्या बोधक जहाँ होते हैं वहां पर हम मान लेते हैं कि ये द्विगु है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अव्यय भाव पढ़ा। अव्यय भाव जहाँ पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है, अविकारी होता है, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो टूटता नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा तत्पुरुष समास, जो समास होता है विशेष विशेषण संबंध जिसके अंदर होता है। और तीसरा समास हम लोगों ने पढ़ा करणहार समास, जहाँ पर तुलनात्मक होता है, चरण कमल, नील कमल, चरण कमल, मीनाक्षी, जितने भी शब्द तुलनात्मक होते हैं वो जो होते हैं वो निश्चित रूप से आंख मूंद के करणधारे होते हैं। जहां तुलना बोधक देखिए, तुलनात्मक देखिए, तुलना की जा रही है, वहां पर आप आंख मूंद के करणधारे लिख दीजिए। उसके बाद आता है द्विगु समास, पूर्व पद जो होता है वह संख्या बोधक होता है, संख्या को बताता है। और क्या होता है, संख्या के साथ साथ ये जो क्या होता है, समाहार, समूह को बताता है। आई जस्ट होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम और भी
आगे पढ़ेंगे, जहां हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि के बारे में और द्वंद्व के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन, दो समासों में क्या अंतर है इसे भी हम पढ़ेंगे जानेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय में, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और वत्सलाय से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।